गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड मैं ये वीडियो स्पेशली टैग करना चाहता हूँ मुंबई के पुलिस कमिश्नर को कि सर ये मुंबई शहर है, आज तारीख है 25 नवंबर, समय सवेरे के 7:40, एंड ये एरिया जो है वो बहुत ही फेमस एरिया है मुंबई के बांद्रा में आए हुए, बांद्रा ईस्ट कलानगर हाईवे जिसको कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये मीडिया की ओबी वैन, ऑपरेशनल वैन यहाँ इस तरह से खड़ी है कि ताकि जो भी कानून बनाया गया है कि आप टर्निंग पॉइंट पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, ट्रैफिक के रूल्स है, शायद इनको पता नहीं है, पर मैंने पिछले 10 दिन से मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ बैरिकेड्स रखे हुए हैं, वो भी नहीं थे 3 दिन पहले, वो भी नहीं थे, पिछले 3 दिन से मैं इनके पीछे पड़ा हूँ कि आप लोग यहाँ टर्निंग पॉइंट पे क्यों इस तरह से ओबी वैन अपनी पार्क करके खड़े हुए हैं। सामने आपको नज़र आएगा शिवसेना के चीफ श्री उद्धव ठाकरे जी का घर है, उनका एंट्रेंस है, और उसके थोड़े ही आगे आप पुलिस की वैन भी देख सकते हैं, वे लोग भी रॉन्ग पार्किंग करके गाड़ी खड़ी रखी हुई है, बैठे हुए हैं। पहले दिन जाके मैंने उनको बताया कि सर ये इस तरह से रॉन्ग पार्किंग किया हुआ है, क्या ये सही है, क्या अगर ये पुलिस की या मीडिया की वैन ना होती और किसी आम आदमी की गाड़ी होती तो क्या आपको, आप हमें अलाउ करते? तो कहने लगे नहीं नहीं सॉरी सर, हम अपने ऊपरी अधिकारी से बात करेंगे। यहाँ पे जो ये कार खड़ी है वो भी किसी मीडिया वाले की है, नॉट अ कॉमन मैन हु हैज पार्क द कार, एंड देयर इज नो एक्शन टेकन। कमिश्नर साहब, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या इस तरह की पार्किंग टर्निंग पॉइंट पर अगर किसी आम आदमी ने रखी होती तो क्या उसको बख्शा जाता, क्या उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता? पिछले 10 दिन से मैं देख रहा हूँ ये लोग इस तरह से यहाँ डेरा डालकर बैठे हुए हैं जैसे कि ये रास्ता उनके चैनल का हो, कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर फ्रॉम मीडिया, दे आर सपोज टू एक्सपोज द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर पीपल, बट खुद गलत काम करते हैं। पुलिस के जिनको कहा गया, मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम देखते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं। सर कोई जवाबदेही है इन लोगों की, आपके डिपार्टमेंट की, ट्रैफिक रूल्स की? ट्रैफिक का बूथ शायद 15 कदम पे भी नहीं है, पर स्टिल नोबडी इज रेडी टू टेक एनी एक्शन। ये भाई साहब भी यहाँ खड़े हैं, उनके गेट के पास जो पुलिस है, जाके मैंने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये तो हम तो सिर्फ यहाँ प्रोटेक्शन के लिए हैं। बड़ा ही ताज्जुब होता है कि इस तरह से आम आदमी को परेशान करने में पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले पहले आकर खड़े रह जाते हैं, पर जब मीडिया खुद कानून तोड़ती है तब कोई शायद कुछ नहीं करना चाहता। मैंने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर से भी बात की थी, लकीली वो मुझे कुछ ही कदम पर चाय वाले के ठेले के पास मिल गए थे, और मैंने उनसे पूछा कि आप खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन से है, तो उन्होंने कहा जी हाँ मैं बिल्कुल खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन से हूँ। तो उन्होंने कहा कि, मैंने उनको कहा कि सर ये इस तरह से रॉन्ग पार्किंग है, तो बोले मैं कुछ करता हूँ। ये सारी बातें 3 दिन पहले की है, 3 दिन से ये चल रहा है, मुझे पता है सिर्फ 3 दिन का और मामला रहेगा जब तक मुख्यमंत्री तय नहीं होते महाराष्ट्र के, पर उसे हमें लेना देना नहीं है सर, हमें लेना देना है हमारे कानून के लिए, कि कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए, पर क्या कानून सबके लिए एक है? लगता तो नहीं है।
Thank you, and hope, Mr. Police Commissioner, you will take some legal action. Thank you.